आरोपी विवेक कुमार की बढ़ेगी मुश्किलें। अब ये नई धारा जोड़ने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। नमस्कार, खबर हार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ खुशबू कौंडल। स्वाति मालीवाल से केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी विवेक कुमार पर पुलिस आईपीसी की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है। पुलिस को शक है कि विवेक कुमार ने जानबूझकर अपना मोबाइल फॉर्मेट किया है। मोबाइल को फॉर्मेट करने की टाइमिंग और पुलिस को पासवर्ड न बताने से इस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को हासिल करने के लिए पीडब्ल्यूडी से लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से भी सहयोग नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से सिलेक्टिव और एडिटेड सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो वायरल किए जा रही हैं। पुलिस इस पर भी नजर रख रही है कि कहीं ये सब जांच को भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। इस मामले में दिल्ली पुलिस और लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल ने मारपीट में दर्ज कराई थी FIR। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उनके निजी सचिव विवेक कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी। 16 मई को स्वाति मालीवाल ने विवेक कुमार के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने स्वाति का मेडिकल भी कराया, जिसमें शरीर पर कई जगह चोट के निशान सामने आए थे। दिल्ली पुलिस ने 18 मई यानी शनिवार को विवेक कुमार को अरेस्ट कर लिया था। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे कई आरोप। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार 18 मई 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक पीए विवेक कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शनिवार शाम केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने पीएम को आम आदमी पार्टी आपके सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि वे रविवार 19 मई को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय तक मार्च करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।